हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ, और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फिलहाल है गांधी मैदान के पास और समय हो रहे हैं 7 बज रहे गाइस। और यहां पे भी देखिए अशोक राजपथ के तरह डिवाइडर से जो है वो डिवाइड कर दिया गया रोड को, जगह जगह पे रोड को डिवाइड कर दिया गया। ऐसे रोड पहले डिवाइड नहीं था, पहले डिवाइडर नहीं था, ये सब अब के डेट में डिवाइडर लगा दिया गया है। क्योंकि राइट साइड में मेरे देखिए कि पटना मेट्रो का अंडरग्राउंड वाला जबरदस्त काम चल रहा है, और लेफ्ट साइड में तो रेलिंग अपना लगाया हुआ है। यहाँ पे भगवान माता का मंदिर है, जय माँ काली। और देखिए राइट साइड में अंडरग्राउंड का काम चल रहा है गाइस। गांधी मैदान से अंडरग्राउंड घुसिएगा, निकलिएगा आप सीधा पटना विश्वविद्यालय, और पटना विश्वविद्यालय से घुसिएगा अंडरग्राउंड मेट्रो में तो निकलिएगा डायरेक्ट मोइनुल हक स्टेडियम। और मोइनुल हक स्टेडियम के बाद आपका फिर राजेंद्र नगर कंकड़बाग होते हुए आप चले जाइएगा बाईपास, और बाईपास से फिर चले जाइएगा नया वाला बस अड्डा, वहाँ तक मेट्रो का एंड रहेगा। फिलहाल मेट्रो का बात नहीं करते हैं, आज आपको अपडेट देने आए हैं बिहार का सबसे बड़ा मॉल, बिहार का सबसे बड़ा मॉल। वैसे पटना में तो बहुत सारे मॉल जो है वो बंद हो चुके हैं, जैसे कि पटना सेंट्रल मॉल आपका बंद हो गया, पटना वन मॉल आपका बंद हो गया। आज के डेट में सिर्फ मॉल बचा है, तो वो बचा है PNM मॉल, और एक मॉल और है जिसका नाम है विशाल मेगा मार्ट, उसको मॉल नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ वो बाजार है जो अभी बचा हुआ है। फिलहाल गांधी मैदान के पास है, और यहाँ से गोलघर के साइड जाएंगे, और उधर से फिर घुसेंगे तो पटना का सबसे बड़ा मॉल, जो बिहार का सबसे बड़ा मॉल जो बन रहा है, उसका उद्घाटन होने वाला गाइज 1-2 दिन में। तो उसका अपडेट लेने चल रहे हैं कि आखिर उद्घाटन कब है, क्योंकि बहुत लोगों को इंतजार है उसके उद्घाटन का, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा मॉल है और काफ़ी तगड़ा मॉल है। और नाम क्या जानते हैं, सेंट्रल मॉल। नाम ही सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि सेंट्रल मॉल नाम है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है ना बहुत बड़ा, और एडमिशन लेना काफ़ी दिक्कत होता है, इसी तरह से ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन घूमना इसमें दिक्कत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हो, कोई आपको कॉस्ट नहीं लगेगा। तो फिलहाल इस रोड में आ गए हैं, जो रोड आपका सीधा चला जाता है राजा बाजार दिग्घा, इसी में गोलघर के आगे जाइएगा तो आपको एक लेफ्ट साइड में जो है वो टर्निंग मिलेगा, उसी टर्निंग में हम लोग को घुसना है, तो पहुंच जाएगा सीधा सेंट्रल मॉल के पास, जिसका उद्घाटन 1-2 दिन में है जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस। तो फिलहाल गोलघर के पास हैं, और गोलघर पे भी रात में जो है वो बार लाइट जो है वो लगा दिया गया है, बार लाइट से गोलघर को सजा दिया गया है। देखिए अभी गोलघर को दिखाते हैं आपको क्या ज़बरदस्त वाला लाइटिंग हो रहा है। अभी फिलहाल तो गुलाबी कलर है, लेकिन इसका कलर जो है वो चेंज होता रहता है, अभी देखिए ऑरेंज हो गया, अब देखिएगा फिर ब्लू हो जाएगा, फिर रेड हो जाएगा, ऐसे ही होते रहता है गाइस। तो रास्ता में एंटर कर चुके हैं गाइस, जो कि गोलघर के बगल से आपको लेफ्ट साइड में घुसेगा अगर आप गांधी मैदान के साइड जा रहे हैं तो, लेकिन अगर आप राजा बाजार के साइड जाइएगा और आपको सेंट्रल मॉल जाना होगा तो आपको राइट लेना होगा, राइट लेना होगा। तो फिलहाल आगे एक और फ्रेंड है जिसका मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, नर्सिंग चाय वाले के ब्लॉग में, YD आर्यन ब्लॉग। तो इधर से हम दोनों गुजर रहे थे तो सोचे कि ब्लॉग शूट कर लेते हैं पटना सेंट्रल, सॉरी सेंट्रल मॉल, क्या पता नहीं क्या नाम है, आई डोंट नो, उतना नाम नहीं पता है, वैसे पूछते हैं इस भाई जाके नाम क्या है इसका, सेंट्रल मॉल ही नाम है शायद, क्योंकि उसका तो पटना वन मॉल। तो सेंट्रल मॉल के पास हम लोग अभी जा रहे हैं, और वहाँ जाके आप कुछ अपडेट लेंगे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह से कि आखिर ये मॉल जो है वो कब ओपनिंग होगा, इसका क्या कुछ डेट है, और आपको बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा मॉल है गाइस, जो कि बिहार का सबसे बड़ा मॉल है सिटी सेंटर मॉल, सॉरी सेंट्रल मॉल इसका नाम नहीं था, इसका नाम है सिटी सेंटर मॉल। और क्या जगमग लग रहा है गाइस, बन के ऑलमोस्ट रेडी है, और आज या कल में इसका जो है उद्घाटन हो जाएगा। तो अभी गाड़ी को साइड में लगाएंगे और पूरा लुक देंगे आपको, पूरा व्यू देंगे। तो गाइस आ गए सिटी सेंटर मॉल के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका उद्घाटन कुछ ही दिनों होने वाला है, तो अभी गार्ड लोग से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि कल किसका उद्घाटन है, यानी कि जब आप वीडियो ये देख रहे हैं उसी दिन इसका उद्घाटन होगा। मेरे पीछे देखिए ये मॉल जो है वो बन के रेडी है, सिटी सेंटर मॉल। अभी उसका कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अंदर तो भीड़ लगी हुई है गाइस, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक के लिए ओपन होगा
वो कल का डेट बताया गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने बताया कि कल के डेट में जो है वो इसका उद्घाटन होगा। और यहाँ पे आप डिस्प्ले देखें, वो डिस्प्ले में भी कुछ कुछ आपको दिखते रहेगा। फिलहाल हम लोग हैं गेट नंबर 3 के पास। वैसे यहाँ पे बहुत सारा गेट है, ये हम लोग 3 के पास है, यानी कि 1-2 एब्सोल्युटली है। और ऊपर में देखिए शॉपर्स स्टॉप लाइफस्टाइल, वहाँ पे सिटी सेंटर का बड़ा सा लोगो और बहुत बड़ा मॉल है गाइस, बहुत बड़ा मॉल, बिहार का सबसे बड़ा मॉल ये बताया जा रहा है। और वो ऊपर देखिए क्या इसका डिजाइनिंग किया गया है, पता नहीं क्या जाली जाली वाला डिजाइनिंग है, लेकिन जो भी अच्छा है। यहाँ पे टेंट जैसा दिया गया है, जैसे आपको टेंट वाले गुरुद्वारा मिला था उस तरह का यहाँ पे एक शेप दिया गया है। ऊपर में बरिस्टा है और बहुत ही नए नए तरह के ब्रांड है यहाँ पे। सिनेप्लॉक्स वाले भी बहुत है यहाँ पे, सिनेमा हॉल वाले भी बहुत है यहाँ पे। और बाकी आपको उद्घाटन के बाद वाला वीडियो में दिखेगा। यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा हुआ है, देखिए बरिस्टा के नीचे अंबुजा नियोटिया, ये डिस्प्ले हमेशा चलते रहता है। आप सीधा देखिए डिस्प्ले यहाँ पे लगा हुआ है, इस डिस्प्ले में आपको कुछ कुछ देखने को मिलते रहे। फाइनली वो दिन आ गया गाइज, जिसका सबको इंतजार था, सिटी सेंटर मॉल कब उद्घाटन होने वाला, जिसका डेट रखा गया है 9 अक्टूबर। आप मेरे पीछे देखिए सिटी सेंटर मॉल में फिलहाल आए हुए हैं और सिनेमैटिक शॉट अपलोड किए हैं। आपको अच्छा लगा होगा आई होप, तो कमेंट कीजिए। गाइस बिहार का सबसे बड़ा मॉल, जिसका उद्घाटन कल के डेट में हो जाएगा, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और प्लेस की बात करें तो ये पुलिस लाइन में है, ये सीधा रास्ता आपका गोलघर के पास निकल जाता है, तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। बिहार का सबसे बड़ा मॉल है। वैसे पटना में तो ऑलमोस्ट मॉल जो है बंद हो चुका है, जैसे पटना वन मॉल बंद हो गया, सेंट्रल मॉल बंद हो गया, लेकिन ये सिटी सेंटर मॉल खुला है, तो आप लोग जरूर आइएगा यहाँ पे। उद्घाटन का तारीख है 9 अक्टूबर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए था। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।